अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ चार चेंजेस को देखेंगे और डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं कि वो चार चेंजेस ऐसी कौन सी हैं कि जिसको फॉलो करने के बाद डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और उसके अंदर देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इसके अंदर जो सबसे पहला है कॉमास के बाहर वाला, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमास के अंदर वाला, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और उसके बाद हमारे पास एक वर्ब आ जाता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तीन चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि हमें ज़रूरत भी इन्हीं चीज़ों की पड़ेगी, कॉमास के बाहर वाला, कॉमास के अंदर वाला और इस वर्ब की। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो चेंजेस की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, या वो किस किस के ऊपर अप्लाई होनी है वो चेंजेस। तो आज सबसे पहले उन चेंजेस पे से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं वो चेंजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम जो चेंज करेंगे वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर उसके बाद कॉमास, फिर उसके बाद प्रोनाउन और एंड पे हमारे पास टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कि जी ये चीज़ें कहाँ कहाँ मौजूद थी। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे था, ये था हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कॉमास। कॉमास कहाँ पे हैं, ये हैं जी कॉमास, ठीक है, इनको हम चेंज करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा था जी, प्रोनाउन कौन सा होगा, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच ये थी और उसका प्रोनाउन कौन सा, ये जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो प्रोनाउन होगा, उसको हम चेंज करेंगे। एंड लास्ट वन जो है हमारे पास टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच थी और इसी का हम क्या करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये चौथी चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। सिर्फ अभी आपको चेंजेस बताई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट में देखते जाएंगे कि चेंज कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास ये चीज़ है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, तो एग्जाम्पल हमारे पास, मैं एक ही लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो रही थी। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो ये सेड टू मैंने बताया आपको क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको चेंज कैसे करना है, अब मैं सबसे पहले बताऊंगा जी, ये इसके अंदर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अंदर हमारे पास नज़र हमें क्या क्या आ सकता है। हमें यहाँ पे नज़र आ सकता है से या सेज, से टू सेज टू, सेड या सेड टू, मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे ये वाले चार लफ्ज आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हो सकता है ही सेज टू मी, यू से टू मी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं। और उसके अलावा ही से ही से मी, ही सेज मी, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब इनको चेंज कैसे करना है, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, तो अब इसको चेंज कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये चेंज होंगे ऐसे, अगर हमारे पास इस जगह, मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिर्फ हो से या सेज, तो वो सिर्फ क्या रहेगा, से और सेज, मतलब वो चेंज हो ही नहीं रहा, इसीलिए इसको मैंने ब्लैक रखा था, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा। ये से होगा तो वो से ही रहेगा, सेज होगा तो वो सेज ही रहेगा। लेकिन हमारे पास जो है से टू या सेज टू, अगर आए से टू किस में चला जाएगा, टेल में चला जाएगा, और ये सेज टू किस में चला जाएगा, टेल्स में चला जाएगा। और अगर हमारे पास आता है सेड तो वो भी सेड ही रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास आता है सेड टू तो किस में चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। तो हमें पता ये चला कि जी ये जो टू है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे कहीं भी हमें टू नज़र आ जाएगा तब हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब, अलबत्ता चेंज नहीं करना। तो चेंज कैसे करना है, से को सेज नो चेंज, लेकिन यहाँ पे टू लग गया तो क्या आ जाएगा, टेल, यहाँ सेज टू टेल्स में, मतलब एस जो है यहाँ टेल के साथ आ जाएगा, और सेट टू टोल्ड में चला जाएगा। सिंपल, मतलब जहाँ पे टू होगा वहाँ पे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, तो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम जो लेके चल रहे हैं वो है ही सेट टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो ये कैसे चेंज हुई, ही टोल्ड मी, सेट टू को किस में चल दिया, टोल्ड मी, क्यों, क्योंकि आप देखिए टू था, ये टू नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये चेंज होगा, सेट टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज थी। अब उसके बाद जो दूसरी चेंज आती है वो है कॉमास की, ये वाले कॉमास, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये कॉमास चेंज होने हैं। सिंपल सा एक रूल है, कॉमा जुड़ाओ डैट लगाओ, कॉमा जुड़ाएंगे और डैट लगाएंगे। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू कैसे बनेगा, ये आई ही टोल्ड मी, टोल्ड तो हमने चेंज कर लिया था लास्ट एग्जाम्पल में, ही टोल्ड मी, ही का ही रहा, सेट टू को टोल्ड में, मी मी
ये कॉमा जुड़ाए और दैट लगा दिया, तो ये क्या बना, ही टोल्ड मी दैट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन क्या है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी थी, ये वाली, और उसका प्रोनाउन कौन सा था, ये जो सब्जेक्ट है। सबसे पहले इससे ये शुरू करने से पहले कि प्रोनाउन जो है वो चेंज कैसे होगा, तो उससे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन होते का कौन कौन से। जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे सेट टू के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, एज इट इज मैंने यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे आई की जगह क्या क्या आ सकते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, आई या वी, मतलब मैं और हम। सेकेंड पर्सन यू तुम। थर्ड पर्सन ही शी इट दे, इसको हम कहते हैं जो हाजिर खड़े हैं, मतलब अगर दो दोस्त खड़े हैं तो अपने आप में अगर होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, दूसरा उसके सामने जो खड़ा है वो थर्ड पर्सन होगा, और ये थर्ड पर सेकंड सॉरी सेकंड पर्सन होगा, और जो हमारे पास जो थर्ड है वो हम बीच में नहीं होगा, वो कोई और कहीं और होगा। ये इसको अगर उर्दू में हम कहें तो ये हमारे पास सीगाए हाजिर, सीगाए मैं, सीगाए हाजिर, सीगाए गायब, इसको कहते हैं। ये फॉर इन्फॉर्मेशन था जनरली। तो इनको आप चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास सेकंड वीडियो है, तो आप लिंक देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, तो पार्ट टू के अंदर आप जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ही मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।